आई एम नसीमा और आज मैं मतलब मेरा योगा बहुत दिन से रुका हुआ था, तो मैंने आज सोचा कि आज मैं योगा करती हूँ। जैसे मैंने टीवी चलाई लाइट चली गई, नेचर भी नहीं चाहता कि मैं योगा करूँ। आज सविता छुट्टी पे है और मुझे बहुत दुख है इस चीज़ का कि आज मुझे काम करना पड़ रहा है। मैं अभी मेरा एक फ़ोन पे डिस्कशन हो गया है और मेरी एक मीटिंग है। रियान तो पता नहीं क्यों उठने का नाम नहीं ले रहा है और 11:30 बज रहा है, तो मैं आज बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। आई एम जस्ट प्रोक्रास्टिनेटिंग एक्चुअली कि मुझे काम करना है, तो वो ना 1 घंटे में सारा काम निपटा देती है। तो मैंने अपने आप को टाइम दिया हुआ है कि 1 घंटे में मैं भी निपटाऊंगी। लेट्स सी हाउ सक्सेसफुल आई एम। अगर बीच में ऑब्वियसली रियान ने डिस्टर्ब किया या रियान बीच में आ गया उठ गया तो फिर ऑब्वियसली नहीं कर पाऊंगी, लेकिन आई विल ट्राई टू डू इट इन एन आवर। क्योंकि या देखो कुछ करना चाहते हो ना तो उसके लिए टाइम देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने टाइम नहीं दिया ना तो फिर आप अपने हिसाब से करते रहोगे, कुछ वो चीज़ें स्ट्रेच हो जाएंगी। तो ये चीज़ है और मेरा डबल सिंग बढ़ता जा रहा है तो मुझे कुछ तो करना पड़ेगा इसका। रियान आ गया और मेरी गोद में सो गया, मुझे इसको उठाने का दिल नहीं कर रहा, तो मैं बस बैठी सोच रही हूँ क्या करूँ। अब मैं जा रही हूँ एक वीडियो चला लेने, तो उसकी आवाज़ सुन के ना ये उठ जाएगा। क्या हुआ बिट्टू? टूटा हो गया पंखा? किसने टूटा? मम्मा ने। सफाई करो। लगाओ। नहीं बेटा लगाइए, लगाइए। बोला क्या चाहिए बिट्टू? क्या दोनों? नेल्स। हाँ नेल्स आपके। अच्छा 1 2 सुना दीजिए। 1 2 3 4 5 और यार इनका वेट कर रही थी कि इमरान आएंगे तो मेरी ब्लॉगिंग में हेल्प करेंगे, लेकिन इमरान आए नहीं और बहुत देर हो गया है। तो मैं जा रही हूँ आज ये काली मसूर की दाल, काली मसूर की दाल ही आई गेस बोलते हैं, तो मैं इसको बनाने जा रही हूँ। और इसके लिए मैंने सबसे पहले क्या करना है, 2 तरह का तड़का प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले प्याज टमाटर लहसुन और थोड़ा सा अदरक भी ले लूँगी। तो ये मैंने फर्स्ट फ्राई करने के लिए अपनी सामग्री तैयार कर ली है। ये प्याज लिया है, मिर्च लिया है, लहसुन टमाटर, और इधर तड़के में मैं लूँगी थोड़ा सा गर्म मसाला। गर्म मसाले में मैंने काली मिर्च ली है, 1 लौंग, 1 तेज़पत्ता और 1 खड़ी लाल मिर्च। तेल डाल दिया है, इसमें मैं थोड़ा सा जीरा डालूंगी और उसमें गर्म मसाला डालना है वो डालना है। और फिर मैंने प्याज टमाटर और जो हरी मिर्च है वो डाल के मैं इसको पकाऊंगी। ये दाल भिगो के रखा है तो इसको भी इसमें डाल दूंगी। तो इमरान आ गए हैं तो आप भी मेरी हेल्प करेंगे बनाने में। इमरान चाहिए वीडियो बनाने में, प्लीज मेरी हेल्प कर दीजिए ताकि मैं फटाफट काम कर सकूं। प्लीज कम फास्ट, आई वाज वेटिंग फॉर यू। आदाब मित्रों, पेश नशीमा। नशीमा मेरे एक सर थे, वो मेरे नाम को नशीमा बोलते थे। तो नसीमा के किचन में आपका फिर से स्टार्ट होने से पहले रियान आ गया शुशु शुशु करते हुए। तो पहले रियान जी को शुशु कराएंगे फिर वीडियो कंटिन्यू होगा। तो यहाँ पे मैंने मैंने तेल में ना जीरा डाल दिया है और जीरे के साथ ये जा रहा है थोड़ा सा गर्म मसाला, जिसमें से 1 तेज़पत्ता, 1 लाल मिर्च और थोड़ी सी काली मिर्च और 2 लौंग ये मैंने डाल दिया। ठीक है, थोड़ा सा इनको बस। अब मैं इसमें डालूंगी जैसे मैंने प्याज लहसुन और जो हरी मिर्च है वो डालूंगी। इनको वो नहीं करना है जैसे फ्राई करते थे ना ब्राउन होने तक, नहीं करना है। और बस हल्का सा गलने तक करेंगे और फिर इसमें टमाटर डाल देंगे। यहाँ मैंने दाल साबुत मसूर की दाल भिगो के रखी हुई है और इसे जल्दी बन जाता है। आप ऐसे भी बनाना चाहो तो बना लो, लेकिन फिर नंबर ऑफ सी 3 सीरीज हो जाएंगे। और ये मैंने प्याज काट के रखा है, इसको काटूंगी अभी मैं तड़के के लिए और इसके साथ थोड़े से लहसुन जाएंगे तो वो अलग से तड़का होगा, 2 लेवल का तड़का बनेगा। बन गया है। देखो इसमें आप चाहो तो 2 टमाटर भी डाल सकते हो, बट क्योंकि हमें ज्यादा टमाटर पसंद नहीं है इसलिए मैंने 1 टमाटर डाला है।
टमाटर में डालने के बाद अब मैं इसमें मसाले डालेंगे। तो जैसे एक कटोरी मैंने डाल लिया है तो एक चम्मच में ये हो जाएगा मेरा, और फिर इसके बाद आधी चम्मच हल्दी। अच्छा, मसाले ना डायरेक्ट अंदर नहीं डालने होते, जल जाता है, तो आप प्याज के ऊपर डालो या गीले करके डालो। तो ये थोड़ा सा आधे से थोड़ा कम धनिया, और क्योंकि मैंने हरी मिर्च भी डाली है और वो भी तो मैं बिल्कुल ना भर कर डालूंगी, लाल मिर्च एकदम कम मिर्च कम खाते हैं, वी आर कम मिर्ची पीपल। बस इसको चलाऊंगी, ये जो प्याज है ना भर जाए उतने तक पकाऊंगी। और फिर हींग भी डाल रही हूँ, ये दाल में हींग डालो ना, हींग का फ्लेवर भी अच्छा होता है और ये आपके पेट के लिए भी अच्छा है, डाइजेशन के लिए अच्छा होता है। ये हो गया ये, और एक लेवल तक बन गया है, इसे प्याज गल गया है ना, तो मैं अब इसमें ये दाल डाल दूंगी। अब इसमें पानी डालते हैं, जैसे एक कटोरी दाल ली है तो जनरली चार कटोरी पानी पड़ता है, तो चार ही डालती हूँ। ज्यादा डालने से क्या होता है ना कि आप प्रेशर कुकर बंद करोगे तो कभी कभी पानी बाहर निकल के आ जाता है, तो अगर आपको कम लगेगा पानी तो बाद में भी आप बॉईल करके डाल सकते हैं। तो अभी मैं चार डालूंगी इसमें। ये देखो, ये इसमें दाल डाल दिया है मैंने, एक कटोरी दाल में चार कटोरी पानी डाला है, और अब मैं इसे एक तेज सीटी, और मतलब तेज आंच करके एक सीटी, और फिर धीमी आंच करके दो सीटी, ये इसमें आपका ये तैयार हो जाएगा। और मैं साइड में डाल रही हूँ तड़का प्रिपेयर करने, जो छोटे बच्चों के साथ कैसा होता है ना, मैं यहाँ कभी नहीं रखती हूँ क्योंकि रियान टहलता रहता रहता है, तो जब तक अगर मैं यहाँ पे हूँ तो मैं अलसी पे चेयर, अदरवाइज अनअटेंडेड अगर शोज कुछ होना है तो अनपुटेड देर। अब तो खैर इतना बड़ा हो गया कि वो यहाँ तक भी हाथ पहुँचा देता है, लेकिन थोड़ा शायद समझदार हो गया है, बोलते हैं गरम तो आप मैं जा रही हूँ तड़के की तैयारी करने, और तड़के में मैं डाल दूँ लहसुन का तड़का डाल। इमरान जी को पता नहीं है कि किन से पंगा होने वाला है, नजीबा खातून उनको कितनी बुरी तरह से हराने वाली है, और ये दोबारा मुझसे बोलेंगे भी नहीं कि चलो कंट्रा खेले। और आज मतलब मुंगेर लाल के सपने हैं मेरे, लेट्स सी, एक जमाने में बहुत अच्छी खेलती थी, मुझे तो पता है इसकी कीज के बारे में कुछ भी नहीं पता है, और लेट्स सी क्या गेम निकलता है, लेकिन फिर भी आई एम द विजेता। इससे मैंने इमरान खान से बहुत बढ़िया खेला है।